राजधानी लखनऊ में दोनों टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। 7 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में देश भर से लगभग 50 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस टूर्नामेंट का आयोजन उत्तर प्रदेश टेनिस एसोसिएशन UPTA द्वारा किया गया है। राजधानी में AITA चैलेंजर सीरीज का आयोजन। UPTA के बैनर तले 7 दिवसीय टेनिस टूर्नामेंट आयोजित। बीते एक वर्ष में UPTA ने कराए 20 से अधिक टेनिस टूर्नामेंट। UPTA के वर्तमान अध्यक्ष नवनीत सहगल। UPTA ने दी टेनिस को नई उड़ान। देश भर में कुल 52 खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। उत्तर प्रदेश में यूं तो टेनिस खेल बहुत ज्यादा पॉपुलर तो नहीं है, लेकिन यूपी में टेनिस एसोसिएशन ने अपने अथक प्रयास से इसमें दम भर दिया है। ये उत्तर प्रदेश टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष नवनीत सहगल और उनकी टीम के प्रयासों का ही परिणाम है कि UPTA अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा बिखेर रहा है। जहां सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास कर रही है, तो वही ये कहना गलत नहीं होगा कि यूपी टेनिस एसोसिएशन इस दौड़ में भागीरथ बनकर उभरा है। शायद यही वजह है कि UPTA बीते एक साल में 20 से अधिक टूर्नामेंट आयोजित कर चुका है। इन मैचों का श्रेय अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष VC तिवारी और ज्वाइंट सेक्रेटरी पुनीत अग्रवाल को भी जाता है। हम लोग पिछले काफी समय से, एक साल से, यूपी के अंदर रेगुलर टूर्नामेंट करा रहे हैं। ये टूर्नामेंट हमारे अध्यक्ष नवनीत सहगल जी की प्रेरणा से करा रहे हैं, जिससे यूपी के अंदर टेनिस के खिलाड़ियों को आगे आने का मौका मिल रहा है। उनकी रैंकिंग कम हो रही है, जिससे कि वो और बड़े टूर्नामेंट ITF खेल सकेंगे। ये हम लोगों का लक्ष्य है और उम्मीद है कि आने वाले समय में यूपी के प्लेयर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखा सकेंगे। पिछले एक साल में करीबन 20 टूर्नामेंट लखनऊ में हो चुके हैं। लखनऊ, आगरा, इलाहाबाद, पूरे यूपी में, मेरठ में, मुरादाबाद में करीबन 20 टूर्नामेंट हुए हैं आईटा के रैंकिंग टूर्नामेंट, और उम्मीद है कि आगे आने वाले एक दो महीने में और अच्छे टूर्नामेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये टूर्नामेंट हम लोगों ने UPTA की तरफ से ऑर्गेनाइज कराया है। इस तरह के तमाम टूर्नामेंट हम लोगों ने पिछले सालों में, पिछले महीनों में कराए हैं। उद्देश्य यही है कि उत्तर प्रदेश में अन्य प्रदेशों की भांति टेनिस को आगे बढ़ाया जाए। टेनिस यहाँ अभी उस स्तर का नहीं था, लेकिन पिछले कई सालों से हमारे बच्चे नेशनल, इंटरनेशनल स्तर पर जा रहे हैं। हम लोग इस तरह के टूर्नामेंट्स में उनको रैंकिंग दे के आगे के टूर्नामेंट्स में ऑल इंडिया बेसिस पर ये इस तरह से उनका मार्ग प्रशस्त करते हैं कि वो आगे जा सकें, आगे और अच्छा कर सकें। AITA टेनिस चैंपियनशिप सीरीज अंडर 18 में देश भर से लगभग पहुंचे खिलाड़ी अपनी खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके आधार पर उनकी रैंकिंग की जा रही है। 7 दिनों तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, उड़ीसा समेत देश के कई राज्यों से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ये टूर्नामेंट UPTA ऑर्गेनाइज करा रहा है और इसके अंतर्गत 32 बॉयज़ ने और 20 गर्ल्स ने भाग लिया, जिसमें ऑल इंडिया से गर्ल्स बॉयज़ थे और इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स का बेहतर प्रदर्शन हो रहा है। आई ट्रेन इन फ्रांस एंड इंडिया बोथ। इन इंडिया इन लखनऊ आई हैव माय कोच मिस्टर प्रतीक त्यागी इन चौक एंड इन दिल्ली मिस्टर आदित्य सचदेवा एंड इन फ्रांस आई ट्रेन इन मुरादुग्लू टेनिस अकेडमी। आई एम इन द फाइनल्स ऑफ ITA चैंपियनशिप सीरीज अंडर 18 एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द UPTPA। यहाँ के कोच हम लोग को फ्रेंडली भी हैं और होम पे हो रहा है तो कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा रहता है, और स्पेशली यहाँ पे हम लोग हैं, पॉइंट्स इजली बन रहे हैं, ज़्यादा मनी भी स्पेंड नहीं करना पड़ रहा और अच्छी रैंकिंग भी हम लोगों की हो रही है, और हम लोगों को बड़े टूर्नामेंट जैसे नेशनल्स, NS, इन सब को पॉइंट्स जोड़ के इस सारे टूर्नामेंट खेलने की भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लखनऊ में जो टूर्नामेंट होता है उससे हम लोग को ये सपोर्ट मिलता है कि हम लोग को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। हम लोग को फिर बाहर नहीं जाना पड़ता है, वो जो एक्सपेंसेस होते हैं जो बाहर देने पड़ते हैं वो सब नहीं देना होता है। उत्तर प्रदेश के अलावा अगर हरियाणा, पंजाब और उड़ीसा की बात करें तो अधिकतर खिलाड़ी इन राज्यों से ही राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते नजर आते हैं, लेकिन इनके मुकाबले टेनिस में उत्तर प्रदेश कहीं पीछे नजर आता था।
लेकिन बीते दो सालों में जिस तरह से राजधानी समेत कई जिलों में यूपीटीए टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है, उससे खिलाड़ियों की रैंकिंग में खासा सुधार नजर आने लगा है। यदि टूर्नामेंट की संख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेनिस में सबसे अधिक मेडल जीतने वाला राज्य उत्तर प्रदेश ही होगा। लखनऊ से मनीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट।